back to my channel, Architect, and I hope you are well. So in this video I will show you how to make your render exactly look like this. देखो कई कई बार क्या होता है कि कोई स्मॉल रूम या फिर कोई बाथरूम वगैरह होता है, बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह के रेंडर्स हमें निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि उसकी साइज जो होती है वो मास्टर बेडरूम या फिर अदर रूम्स के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, तो हम इस तरीके से रेंडर नहीं ले पाते हैं। आपने कई जगह पर ऐसा रेंडर देखे होंगे और आपके मन में भी एक थॉट आया होगा कि लोग इस तरीके से कैसे रेंडर निकालते होंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी हम ये कोई स्मॉल रूम होता है, जैसे कि यहाँ पर ये टॉयलेट है और ये टॉयलेट की साइज है 4.5 बाय 9 फीट, ठीक है, तो 9 बाय 4.5 का एक टॉयलेट है। अगर हम इस टॉयलेट के अंदर जाए और यहाँ पर सेफ्टी वैल्यू जो जनरली रहती है वो 45 है, तो यहाँ पर मैं 45 डालू और यहाँ से मैं अगर पीछे हटने की कोशिश करूँ तो बस हम यहाँ तक ही जा सकते, तो बस हम इतना ही व्यू ले पाते हैं। तो मैंने अपने रेंडर में इस तरीके का व्यू कैसे निकाला होगा, अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए, ठीक है गाइस। तो देखो अगर हमें ये पूरी वॉल एक साथ दिखे ऐसा रेंडर निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि या तो हमें जेड की वैल्यू बढ़ानी होगी, ठीक है, यहाँ पर जेड 45 है उसके बदले में 95 कर देता हूँ, लेकिन 95 करने के बावजूद हमें ये वॉल पूरी की पूरी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, अगर हम सेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पूरा व्यू एकदम से अनरियलिस्टिक दिखने लगेगा, जैसे कि बहुत वाइड एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीन कुछ अजीब सी दिख रही है, डब्ल्यू सी अजीब सा दिख रहा है, शावर भी बहुत अजीब सा दिख रहा है, तो ये आपको रियल फील नहीं देगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर स्केचअप में से सेक्शन पेन का यूज कर सकते हो, या वीरे में बोलूँ तो मैस पेपर का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं जेड की वैल्यू नॉर्मल कर देता हूँ 45, देन यहाँ पर मैं टूल्स में जाऊँगा और टूल्स में जाने के बाद सेक्शन प्लेन पर क्लिक करूँगा। अब ये सेक्शन प्लेन यहाँ पर आ गया है, यहाँ से मुझे सेक्शन कट करना है ये वॉल से, मतलब कि ये वॉल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देता हूँ सैम्पल मतलब प्लान को रख देता हूँ। अब इसका आप नाम कोई भी दे दीजिए, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट व्यू 1 कर देता हूँ और इस सेक्शन प्लान को 1 से ही अपडेट करें, तो ये हमारा 1 नंबर का सेक्शन प्लान आ गया। अब इसको क्लिक करो और मूव करके थोड़ा सा आगे ले जाओ, ठीक है। जैसे ही आप आगे ले जाओगे तो यहाँ पर देखा कि यहाँ सेक्शन कट नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेना कि यहाँ से सेक्शन कट्स और सेक्शन फिल दोनों ऑन होने चाहिए। अब इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ ना दिखे तो हम एक काम कर सकते हैं, वो है कि हम अपने सेक्शन प्लेन पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने सेक्शन प्लेन पर डबल क्लिक करता हूँ वैसे मुझे सेक्शन दिखने लगा, देखो गाइस। तो अब मुझे ये सेक्शन को थोड़ा पीछे लेना है, मूव करके मैंने पीछे लिया, अब ज़्यादा पीछे लूंगा तो दीवार आ जाएगी, थोड़ा सा अंदर, बस अब ये बेस्ट। देखा आपको अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये व्यू देखने को मिल रहा है। अब आपको दूसरा काम ये करना है, ऐसे एडिट में जाना है, सेटिंग्स में जाकर सेव फ्रेम ऑन कर देना है और अपने हिसाब से व्यू सेट कर लेना है। सेट की वैल्यू नॉर्मल कर देंगे 45 और यहाँ से थोड़ा इस तरीके, ठीक है, तो अब ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस व्यू को हम ऐड कर देंगे नए सीन, ठीक है, हमने यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर दिया, अब ये बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। अब हमें जो सेटिंग्स करनी है वो सेटिंग्स ऐसे एडिटर में करनी है, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया तो मेरा रेंडर तो कंप्लीट आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे ये मैं जहाँ पर मिरर दिया है वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ये ओरिजिनल मिरर जैसा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने जो सेक्शन जो जो स्केचअप में सेक्शन दिए होंगे वो सभी सेक्शन मिरर में या जियोमेट्री में सो,
आपको सेक्शन प्लेन पर जाना है, ठीक है। ये लास्ट हमने एक ही सेक्शन बनाया है, तो इस सेक्शन का नाम दे दूंगा मैं कॉमन फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स करनी है हमें। यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट आएगा, पैरामीटर्स में हमें जाना है। पैरामीटर्स में हमारा ये मॉड है वो सब्सट्रैक्ट ही रहना चाहिए। फिर यूज मटेरियल मतलब यूज ऑब्जेक्ट मटेरियल, तो ये हमारा ऑफ नहीं होना चाहिए, इसे हमें ऑन ही रखना है। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑन होना चाहिए। और ऑप्शन में जाने के बाद ये अफेक्ट लाइट्स क्या है, अगर आप अफेक्ट लाइट्स को अनटिक करेंगे, उसका मतलब है कि बाहर का जो सनलाइट है वो इसे अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मुझे बाहर की सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर ही ये लाइट्स दी है, तो मुझे बाहर की सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे अनटिक कर। फिर क्लिप लाइट जियोमेट्री को भी अनटिक करेंगे। सिर्फ हमें ये कैमरा रेज ऑनली रखना है। जैसे ही मैं कैमरा रेज ऑनली रखता हूँ, आप देखेंगे कि अब इसका रियल रेंडर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे मिरर बिल्कुल मिरर जैसा दिख रहा है, और बाकी सभी भी मटेरियल एकदम से एक्जैक्टली लुक लाइक अ रियलिस्टिक रेंडर, ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है। तो अब फिर से एक बार सेटिंग चेक कर लीजिए। आपको अपने मैस क्लिपर में यहाँ पर सब्सट्रैक्ट रखना है, या यूज ऑब्जेक्ट मटेरियल ऑन रखना है, और ऑप्शन में जाकर अफेक्ट लाइट और क्लिप लाइट ज्योमेट्री को अनटिक कर देना है। ओनली कैमरा राइज ओनली को ही टिक मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत ही रियलिस्टिक रेंडर आपको देखने को मिलेगा। इसका रेंडर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये अभी इंटरेक्टिव है, लेकिन इसका ये रेंडर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।